इतना बड़ा मंगल बाजार, आज 40 साल का बाजार था मंगल बाजार, अच्छे अच्छे लोग उसको उठा नहीं पाए, क्यों? क्योंकि बाजार बहुत पुराना था और भिवंडी और एशिया का सबसे बड़ा बाजार था, आज कहाँ कहाँ से लोग आते थे, तो इतना बड़ा बाजार उसने बंद कराया। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। आप सभी जानते हैं कि जैसा सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो वायरल हुआ था विजय कांबले साहब का, कि जिन्होंने उसमें ये कहा था कि जो महानगर पालिका की तरफ से जो अतिक्रमण होता है ठेले वालों पर जो सब्जियां लगाते हैं, तो उसको लेकर एक बंदे ने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लिया, क्योंकि उसका लगातार नुकसान पे नुकसान हो रहा था, बार बार उसकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था। उनका ऐसा कहना है कि पर्सनली उनको टारगेट किया जा रहा है, तो उससे वो परेशान होकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मैं 10 तारीख को महानगर पालिका के सामने सुसाइड करने वाला हूँ। उस पर विजय कांबले ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया, हमने उनसे इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई उसके अंदर कि क्या है और कैसा है, क्या मामला हुआ, उसी को लेकर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं अशफाक शेख के पास, जो कि RPI के अल्पसंख्यक के प्रेसिडेंट भी हैं और ये खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि ठेले गाड़ियाँ जो तीन बत्ती पर हो गई या और भी कहीं पर लगती है, ये खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। अशफाक भाई, आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? सभी भिवंडी शहर रहवासियों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा बोलना ऐसा है कि जो हमारे विजय कांबले साहब हैं उनको तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ उनके पास कुछ गाड़ी वाले वहाँ पर गए, क्या यहाँ पर ठेला गाड़ी तोड़ा जा रहा है, ठेला गाड़ी तोड़ रहे हैं, तो विजय कांबले साहब वहाँ पर बैठे, मतलब लोग सब मीटिंग जमाए, और ये जो अख्तर नाम का है तो गरीब आदमी हो भी, तो मतलब उसको गाड़ी तोड़ा जा रहा है, तो सोचा कि मतलब क्या है, मतलब ऐसे पेड़ से मरने के अच्छा फांसी लेके मर जाऊँ या कुछ करूँ, तो इसके लिए वो सुसाइड करने वाला है। तो इसके लिए हम, मेरा बोलना ये है सभी ठेला गाड़ी वाले से कि जो हमारे विजय कांबले साहब हैं, जो गरीबों के लिए जो ये रोड पे निकले 10 तारीख को 11 बजे महानगर पालिका के सामने अख्तर नाम का आदमी सुसाइड करने वाला है, तो जितने ठेला गाड़ी वाले, मेरे तरफ से सबसे विनंती है, गुजारिश है कि भाइयों बहनों जितने भी जो धंधा लगाते हैं, तो ये आज अख्तर को तकलीफ हो रही है तो कल और किसी को होती है, तो सब मिल के 10 तारीख को 11 बजे महानगर पालिका पे हमारे विजय कांबले साहब घेराव करने वाले हैं, तो सब के सब उनका हाथ मजबूत करें और सब के सब वहाँ पर उनका साथ दें, और हम तो सब जाएंगे वहाँ पर, लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है कि तादादों में जितने भी हो सकते हैं वहाँ पर पहुँचो और उनका हाथ बैठाओ। अशफाक भाई, क्या लगता है आपको कि ये जो जिस तरीके से ठेले गाड़ी जो है तोड़ी जाती है, क्या लगता है आपको, क्या ये वाकई इलीगल काम के जरिए तोड़ा जा रहा है या फिर अपनी भड़ास निकाली जा रही है, क्या है ये? ये ऐसा है कि जो इनकी जो दिल की भड़ास है, ये सिर्फ जो है ना, ये अपना जास्ती मसला है, मतलब और भी गाड़ी है, तो अगर कार्रवाई करो तो सब पे करो, और नहीं तो ये लोग दो पे कार्रवाई करते, 100 को ये लोग फ़ोन करके बोल देते कि भाई हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग हट जाओ, और जो मतलब इनको उनका जो नीचे से चलता है वो लेन देन जो भी है इनका, जो पैसा पहुंचाता है, तो ये लोग पैसा जो पहुंचाता है तो इन लोग उसको पहले ही फ़ोन करके बोल देते भाई हट जा, जो नहीं देता वो गरीब आदमी नहीं कमा पा रहा तो कहाँ से देगा, तो इसके लिए इन लोग क्या करते हैं, उसकी गाड़ी तोड़ते हैं और उसी की गाड़ी बार बार टारगेट करते हैं, तोड़ के उनको गाड़ी मौका भी नहीं देते उनको माल बचाने का, कि गाड़ी जमा करो कोनवाड़े में, तो पौधी फाड़ के गाड़ी लाएगा छुड़ा के, लेकिन वो लोग पूरा चूरा कर देते, हाथ में देते ही नहीं है, जबकि ऐसा है कि जैसे 10,000 रुपया लोन मतलब दे रहे थे ठेला गाड़ी वाले लोगों को, क्या बोले हम 10,000 रुपया देंगे तो माल भरेगा वो आदमी, जब वो जो लोन उठाए और वो जब गाड़ी तोड़ दे रहे, माल मतलब उनका जमा कर ले रहे, सब माल रोड पे बिखरा दे रहे, फेंक दे रहे, तो कहाँ से लोन भरेगा वो गरीब बेचारा है, ऐसी मतलब उन पर हत्या क्या चार जुलूम हो रहा है, खाने के लिए नहीं है वो गरीबों को, मतलब ये लोग जास्ती मतलब उनसे दुश्मनी निकाला जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि मैं जो है तो अब वहाँ पर फांसी लगा लूँगा या अपने ऊपर घासलेट डाल के अपने आप को जला लूँगा, जो भी होने वाला है XYZ, इससे मसला सॉल्व होगा या बढ़ेगा फिर, क्या क्या लगता है आपको? अभी मसला ऐसा है कि देखो, तो बंदा की गाड़ी बार बार तोड़ा जा रही है,
तो कामले साहब के पास गए तो अभी उनको तो मतलब अर्जी वगैरह किए, कमिश्नर साहब भी कोई मतलब उनकी सुन नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। उनका काम है कमिश्नर साहब का कि जो भी नागरिक है मतलब जो उनके पास आया 3 बजे के बाद टाइमिंग रहती है तो उनको मिलना चाहिए। तो ये जो है जो बिल्डर लोग हैं जो बस उन्हीं का नंबर लगे रहता है, जो साधारण आदमी है उनको मिलने नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए जो है ना कमिश्नर साहब को सुनना चाहिए और लोगों को न्याय देना चाहिए, भिवंडी वाले को इंसाफ देना चाहिए। तो जैसे आज अगर अख्तर एक नहीं मरेगा, इसके पीछे और भी धंधे वाले लोग मरेंगे। जैसे आज अख्तर कभी अगर कुछ होता है, कभी घासलेट डाल के मरता है, कभी कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार तो कमिश्नर साहब रहेंगे, लेकिन उसके साथ में जैसे और भी जो ठेला गाड़ी वाले और भी जो कुछ है तो मतलब उसको न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। तो और भी लोग यही कदम उठाएंगे और आगे मतलब जो फांसी लेना है जो लेगा, राकेल डालना है डालेंगे, घासलेट डालेंगे, लेकिन ये चालू रहेगा जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अभी हाफी जी बाबा से इधर तीनबत्ती नाके तक अपन आते हैं तो वहाँ रोड बना हुआ है। रोड बना है तो पहले अपना सुनील भोयर प्रभाग 5 का अधिकारी था, तो उसके घर के सामने देखो सब पार्किंग बनी हुई है, पूरी ठेला गाड़ी मतलब वो कार लगी हुई है, तो उसको कोई हटाने वाला नहीं है, वहाँ ट्रैफिक नहीं होती है। लेकिन यहाँ से क्या, तीनबत्ती तो बाजी मार्केट है, यहाँ कोई ट्रैफिक का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन ये बस जास्ती मतलब लोग दुश्मनी निकाल के बस यहाँ टारगेट करा जा रहा है। और पूरे भिवंडी शहर के अंदर ठेला गाड़ी लगता है ना उसका सर्वे करो, 54 नंबर जो मार्केट बन रही है उसके अंदर लोगों को लगा के दो ना, तो लोग खुद ब खुद गाड़ी आएंगे, लोग ट्रैफिक कम हो जाएगी। ट्रैफिक तो पहले होती नहीं है, ट्रैफिक कैसा है, रास्ता जो है भिवंडी शहर के अंदर वो छोटा है, उसको चौड़ा करो, ये अतिक्रमण जो वो हटाओ, अतिक्रमण क्या हटाओ, ये जो पतरा बनाए पतरा लगाए रोटा बाहर बढ़ाए, अरे यार वो सब तोड़ो ना, ठेला गाड़ी लेके गए वो तो हट आएगा ठेला गाड़ी वाला लेके। लेकिन तुम लोग जो है जानबूझ के ये जो जितने भी जो दुकान के पतरे वगैरह बाहर निकालते उनको नहीं तोड़ते, बस ठेला गाड़ी आ गया ठेला गाड़ी को तोड़ो, अरे गरीब आदमी को निश्चा हैरान कर रहे उनके पीछे लगे। हमारे साथ अभी जैसे कि ठेला गाड़ी वालों की बात चल रही है तो हमारे साथ इब्राहिम भाई मौजूद है, इनकी भी दुकानें वहाँ पर लगती है, इनका भी ठेला है वहाँ पर, इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। देखो सबसे तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा आपके चैनल से कि जो अतिक्रमण है, जो अतिक्रमण को लेके जो एक ही जगह पर बार बार कार्रवाई करना, यानी आज आके खाली तीनबत्तीस पे क्यों, गैबी नगर में भी तो हुआ था लेकिन वहाँ वाले इकाई किए तो वहाँ जाना बंद कर दिए। तीनबत्ती पे इकाई नहीं है, इसके लिए लोग बार बार आते तीनबत्ती पे। अभी ये अख्तर भाई जो अभी आंदोलन कर रहे हैं अपना 10 तारीख को, तो आंदोलन करके मतलब नहीं है, क्योंकि उनको जो करना है वही करेंगे, लेकिन हमको जो करना है वो तो हम कर ही रहे, क्योंकि वहाँ सुनवाई होती नहीं है। वहाँ अपन कितना भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो उनको करना है वही, क्योंकि कुर्सी पर उन पर वो बैठे हैं, सत्ता पर वो लोग हैं, तो अपनी क्या चलेगी। अपन ठेले गाड़ियाँ ले खाली अपन बस चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, अर्जी डाल सकते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अगर इनको ठेला गाड़ी तोड़नी ही है तो फिर ये जो पावती फाड़ते हैं 30 रुपये 35 रुपये डेली, एक बंदा बीएमसी का नगरपालिका का एक बंदा डेली वहाँ पर आता है सुबह में या शाम में, पावती फाड़ कर जाता है और फिर अगले दिन 2-3 दिन के बाद ऐसा सुनने में आता है कि आकर ठेला गाड़ी को तोड़ा गया, तो ये ऐसा क्यों, मतलब पावती भी फाड़ी जा रही है ठेले भी तोड़े जा रहे हैं, क्यों ऐसा? कैसा है, पावती वाले आते हैं तो हम लोग उनसे पूछते हैं भाई ये पावती काय की है, तो पावती वाले क्या बोलते हैं, भाई ये पावती जो हमारी है ना, ये जो आप लोग कचरा फेंकते ना रोड पे, ये वो पावती है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पावती पे तो लिखा है वो जगह, यानी जगह का पावती, कचरा फेंकते हैं उसकी पावती, मतलब वो लोग साफ सफाई करते हैं आकर उसकी पावती उसका ले रहे हैं, लेकिन साफ सफाई तो मार्केट में कहीं दिखती नहीं नहीं है। वो आप लोग को भी दिख रहा है वीडियो पे, सोशल मीडिया पे सब फैला हुआ है, एक जगह अगर साफ सफाई रहती तो भिवंडी की हालात नहीं रहते। आज भिवंडी के हालात देख लो, जो चीज़ इनको करना चाहिए वो चीज़ नहीं कर रहे। आज आगे ठेला गाड़ी, आज तुम चढ़े आओ रोड पे, भिवंडी का एक भी रोड अच्छा बताओ, एक भी रोड का मुद्दा छोड़ के, दूसरा मुद्दा छोड़ के आज आगे ठेला गाड़ी भिवंडी में, खाली यही है। क्या है भिवंडी में बताओ ना मेरे को, भिवंडी में गरीब लोग के लिए क्या है, रिक्शा है, धंधा है, क्या है? और तो आदमी जब नई धंधे लाइन में घुसेगा तो कहाँ घुसेगा, और उसके बाद में जब आदमी मेहनत कर रहा है ठेले गाड़ी पे, आदमी सुबह से उठता है बेचारा 6 बजे से, माल लाता है, माल ला के बम्बई इधर उधर जाके फिर सुबह से वो ठेला गाड़ी लगाता है, रात में 10 बजे जब वो अपना धंधा करके जब घर पर जाता है, जब वो 2 पैसा उसको समझ में आता है कि 2 पैसा मेरे को मिला है, तो वो इन लोग ऐसा आगे तोड़ते हैं, माल जमा करेंगे, चूरा करेंगे। आज एक गाड़ी बनाने जाओ 10,000 की गाड़ी है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो जो पावती लोग फाड़ते हैं ना, तो पावती का खुला बोलते हैं भाई ये कचरे की पावती है, इस पर नमक मत मिलाओ। तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई जब म्यूनसिपालिटी आ रही तो आप लोग बात करो वहाँ,
कि जब पावती तुम फाड़ रहे हो ना तो फिर हम लोग को थोड़ा कॉपरेट करो ना। जैसे अभी अलीगल तो देखो सब है, भिवंडी में कोई बोलेगा जैसे मानते हम रोड पे, हम ठीक है गलती कर रहे रोड पे धंधा लगा रहे हमको कोई परमिशन नहीं, लेकिन अलीगल तो सब है। लीगल कौन सी चीज़ है भिवंडी में बताओ मेरे को, लीगल एक भी चीज़ बताओ, बिल्डिंग से लेकर हर चीज़ से लेकर लीगल क्या चीज़ है। लेकिन आज आके गरीब लोग को ठेला गाड़ी, गरीब लोग को ठेला, यानी जहाँ ताकत मजबूत है, जहाँ ताकत मजबूत है, जहाँ इकाई है, ये म्यूनसिपालिटी वहाँ नहीं जाती है। आप लोग भी एक इकाई क्यों नहीं दिखाते फिर इस मामले में? हमारे में कैसा हो गया है अभी, जैसे कि ये पूरी भिवंडी को मालूम है जो हम लोग का मसला चल रहा है, सबको मालूम है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसका नाम ले लेके हम लोग ने बहुत बड़ा कर दिया उसको, लेकिन अब उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो बोलने मतलब ये जो बंदा था, तो बंदा तीन बत्ती पे आज से 2018 में जब एंट्री करा ना, तो उसने दिमाग लगाया कि मैं यहाँ का करता धरता लीडर कौन है, तो पहले उसको ठंडा किया उसने, ठंडा बोले तो कैसा किया, उसको आश्वासन दिया कि भाई मैं तेरे को करता हूँ, तेरे को जगह करके दूंगा। इतना बड़ा मंगल बाजार, आज 40 साल का बाजार था मंगल बाजार, अच्छे अच्छे लोग उसको उठा नहीं पाए, क्यों? क्योंकि बाजार बहुत पुराना था और भिवंडी और एशिया का सबसे बड़ा बाजार था, आज कहाँ कहाँ से लोग आते थे। तो इतना बड़ा बाजार उसने बंद कराया एक नज़रअंदाज पे, यानी वो बाजार बंद इतना धोखे में करा कि यानी सबका पहले पानी पड़ दिया कौन कितने पानी में, और बाजार भी डायरेक्ट नहीं उठाया उसने। तो जब इतना बड़ा बाजार बंद कर दिया तो तीन बत्ती क्या है, तो तीन बत्ती के लोग को पहले उसने जाना कि कौन कितने पानी में, वो कितने पानी में, वो कितने पानी, वो हिसाब से उसने क्या किया, जाल बिछा के पूरी मार्केट साफ किया। अब बचा इतना तीन बत्ती का जो टुकड़ा है, तो वो भी खलास करना चाह रहे हो, वो सबको मालूम है कौन आदमी है क्या आदमी है, और वो आज जाके खाली तीन बत्ती परमिशन लेगा कहाँ पर, वंजारपट्टी का तोड़ेगा कहाँ पर तीन बत्ती, परमिशन लेगा धामन नाके का तोड़ेगा इधर तीन बत्ती, यानी हर मुद्दा उसका तीन बत्ती, यानी तीन बत्ती एक ऐसा है भिवंडी का शहर हाईलाइट, तीन बत्ती पे कोई भी इंसान अगर बोल देगा तीन बत्ती के बारे में तो वो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो तीन बत्ती के मसले से इतना हाईलाइट हो गया, इतना हाईलाइट हो गया कि लोग उसको सलाम करते हैं, ऐसा नहीं है तू गरीब लोग, गरीब लोग को तू हैरान करके तू हाईलाइट हो रहे है, कुछ अमीर लोग को तू कर, कुछ बड़े लोग को कर, तो आदमी बोलेगा नहीं अब सही कर रहा है, गरीब लोग को तू हैरान करके हाईलाइट हो रहा, क्या मतलब? देखो अगर हटाना ही है इनको महानगर पालिका को, अगर हम ठेले गाड़ी वाले लोग को अगर हटाना ही है तो हमको जगह दिया जाए, जैसे कि मान लो अभी खड़ग रोड पे जो मार्केट जो बनी है, जो कचरे कचरा मार्केट बोलते हैं अभी फिलहाल कचरा मार्केट है, तो वो मार्केट में हम लोग को जगह दो, हम लोग को वहाँ शिफ्ट कराओ, क्योंकि हम लोग तो आज से तो है नहीं मार्केट में, आज हमारे बाप दादा बोले तो आज जन्म से हम लोग वहाँ लगा रहे, तो आप लोग हटाते ना ठीक है, हम लोग अभी हट जाएंगे, अभी तुम बोलोगे ना कि हटा दो तुम लोग वहाँ शिफ्ट कर रहे, एक बंदा नहीं दिखेगा, मतलब हमको जगह नहीं दे रहे हो तुम कहीं लगाने के लिए, हमारा कहीं है नहीं, तो कहाँ लगाएंगे हम लोग, महानगर पालिका में आके लगाएंगे ठेला गाड़ी, मार्केट है मार्केट में तो लगाएंगे। अब तुम बोलेगे वहाँ भी मत लगाओ, वहाँ भी मत लगाओ, तो कहाँ लगाने का, 54 नंबर मार्केट इतना भारी बना हुआ है, उसको कचरा पूरा मार्केट कर दिया है, अभी तुम जाके देख लो पूरा कचरा, पूरा कचरे से एकदम हाइटेड भरा है, और बोलने को क्या है, तो बोले 54 नंबर मार्केट है वो, तो उसमें हम लोग को शिफ्ट करवाओ ना। जैसा कि इब्राहिम भाई और अशफाक भाई ने बताया कि ये जो मामला चल रहा है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी पर्सनल जाती दुश्मनी निकल रही है, अगर वाकई में महानगर पालिका को इन ठेले वालों को रोड पे से हटाना है तो सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि उनको एक पर्टिकुलर जगह, मतलब उनको पर्टिकुलर जगह उनको देना चाहिए कि आप लोग यहाँ न लगाते हुए यहाँ लगाओ, क्योंकि यहाँ लगाते तो ट्रैफिक होती है, तो उनको एक जगह दे दें। जगह देने के बाद जैसा कि विजय साहब ने बताया था कि उनको एक या तो एक सर्टिफिकेट दे दे, उनको एक आई कार्ड बना कर दे दे कि भाई ये तुम्हारा आई कार्ड है और ये तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ पर रहो, यहाँ से तुमको कोई नहीं हटाएगा, वो बंदा फिक्स अपनी जगह पर ही रहेगा, तो क्या है रोड पर कोई नहीं आएगा तो ट्रैफिक नहीं होगा और पब्लिक परेशान नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर महानगर पालिका को वाकई में लीगल तरीके से कार्रवाई करनी है कि जो इलीगल रोड पर खड़े हैं या इलीगल चीज़ें रोड पर फैली हुई है उनके ऊपर वाकई कार्रवाई करनी है, तो सिर्फ ठेले वाले ही क्यों, दुकानें भी तो हैं, बिल्डिंगें भी तो है, इलीगल पार्किंग भी तो है, बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे, जैसे खड़क रोड हो गया, बागे फिरदौस के सामने वाला रास्ता हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर गाड़ियां दिन और रात पार्क रहती हैं बिना किसी वजह के, और उनकी वजह से क्या होता है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस को दिक्कत होती है, फायर ब्रिगेड वालों को दिक्कत होती है, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है, तो वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं सिर्फ तीन बत्ती के ठेले वालों पर या गैबी नगर के ठेले वालों पर क्यों?